लेटर लिखती हैं और मुझे इनवाइट करती हैं कि वो मेरी फ़ैन है, वो मेरा शो देखती हैं, और तो अब बोलती रिक्वेस्ट करती है कि मेरे मम्मा पापा की वेडिंग है और कृष्णा आप आइए, ज़रूर आना। और मैं अचानक से जो है वो लेटर पढ़ता हूँ और मुन्नी को यहाँ पे सरप्राइज़ देता हूँ। तो सरप्राइज़ जो मेरी एंट्री है फिल्म के अंदर वो एक गाने से है। तो पहली बार मैंने लाइफ में उड़िया गाना किया, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सुबह से हम शूट कर रहे हैं और एक सीन भी शूट किया। पूरी क्रू टीम बहुत अच्छी है, अप्पू जी जो इसके डायरेक्टर हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिला, उन्होंने जब कहानी सुनाई ना, उनका कन्विक्शन बड़ा अच्छा लगा मुझे और मुझे पता था कि बढ़िया फिल्म बनाएंगे। तो उड़ीसा में 3-4 बार आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो मेरे मंदिर में रखी हुई है, मैं रोज़ वहाँ फूल चढ़ाता हूँ, रोज़ उसकी पूजा करता हूँ। तो एक छोटा सा कनेक्शन है शुरुआत से। अशोक नंदा जी एक डायरेक्टर हैं यहाँ पे, जिन्होंने अनुपम खेर के साथ एक फिल्म बनाई थी बीच में, आप लोग जानते होंगे, मीडिया जानती होगी। वो हमारे शो में भी आए थे, कपिल शर्मा शो पे प्रमोशन करने के लिए। तो वो मुझे पहली बार भुवनेश्वर लाए थे, फिर उसके बाद मैं ईटीवी के शो के लिए आया था, कपिल और मैं हम दोनों आए थे, और उसके बाद मैं अब आया हूँ। तो पहली मेरी उड़िया फिल्म है, इसीलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर लोग बड़े अच्छे हैं, इमोशनल हैं, मुझे कल्चर बहुत पसंद है। मैं थोड़ा पूजा पाठी हूँ, तो यहाँ पर एक टेंपल्स का वो बोलते हैं ना, यहाँ पर टेंपल सिटी, हाँ सब जगह से टेंपल सिटी। मैं भी पिपली गांव गया था और वहाँ पर पिपली गांव में वो जो पत्ते के ऊपर वो उसके ऊपर वो बनाते हैं, तो मैं उनके घर भी गया, उन सबसे मिला भी। और मैंने मास्क पहना था, चश्मा पहना था, मुझे लगा मुझे नहीं पहचानेंगे, मुझे लगा हो सकता है उड़िया में, हो सकता है हमारा शो ना देखते हो या हो सकता है पिक्चर ना देखी हो। मैं गांव में मैंने ऐसे सिर्फ मास्क उतारा पानी पीने के लिए, वो सारे लोग आ गए, बोलते अरे कृष्णा आया है यहाँ पे। मैंने बोला तो आप सब मुझे जानते हो? बोले हाँ हाँ, ऐसा कैसे नहीं, कपिल शर्मा शो सैटरडे संडे रोज देखता है हम लोग। मैंने बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं गांव के सब लोगों से मिला, मैंने उनसे चीज़ें खरीदी भी। और मेरा एक शो आता है हिस्ट्री टीवी 18 पे, OMG मेरा इंडिया, और वहाँ पर मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि हमने अभी तक उड़ीसा में शूटिंग नहीं की है, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर नहीं किया है, यहाँ का जो टेम्पल्स हैं डेफिनेटली दुनिया भर में फेमस हैं, जगन्नाथ जी सब जानते हैं, देखते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, यहाँ पर जो आर्ट बनाते हैं लोग,